आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये समय की मांग है। ऊर्जा की खपत जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से मूल ऊर्जा के उपयोग में आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, तो मोटे तौर पे 3-4 पदार्थ ही ऊर्जा के उपयोग में काम में लाए जाते हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस। यही 3 जो है ज़्यादातर काम में आते हैं। इसके अलावा जैसे न्यूक्लियर फ्यूल हुआ, सोलर एनर्जी वगैरह, इनका बहुत कम ऊर्जा के, अभी भी इतने प्रचार प्रसार के बाद भी ऊर्जा के उपयोग में इनका बहुत ही कम योगदान है। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सारा का सारा क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, पेट्रोल डीजल सब क्रूड ऑयल से निकलते हैं। घर में ईंधन जो है, जो LPG है, वो क्रूड ऑयल से निकलती है। तो मोटे तौर पे हमारी सारी ऊर्जा की आवश्यकताएं क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस पर ही आधारित हैं। जो हम बिजली बनती है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, लेकिन अभी भी 65% करीब बिजली कोयले या गैस से बनती है। गैस का कंपोनेंट बहुत कम है, लेकिन अभी भी 60-65% बिजली जो है वो कोयले से ही बनती है। अगर ये हम भी इस कर्व को देखने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि पिछले 1.5-2.5 साल में, या इवन 1.5 भी नहीं, अपन 1800-1900 साल में देखें, तो ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर था। जो गोबर या लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के लिए होता था, आवागमन के लिए पशुओं का प्रयोग होता था, ऊर्जा का उपयोग कुछ भी नहीं था। कोयला बहुत थोड़ा बहुत कहीं निकलता था, तो उसको वहीं पे वो यूज़ कर लेते थे, ना के बराबर था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे ऊर्जा के इन संसाधनों का प्रयोग लगातार बढ़ता गया। और इस समय हम देख रहे हैं कि ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार नई गाड़ियां आ रही हैं, उन नई गाड़ियों के आने से पेट्रोल डीजल का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी स्थिति को अगर अपन देखते हैं, इसी कर्व को अगर अपन आगे देखते हैं, तो अगले 50-60 या 70 साल या 100 साल बाद ये ऊर्जा के समस्त स्रोत समाप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे और एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये कर्व सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये ऊर्जा के जो, ये बेसिकली आपको पता होगा, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं सारे, चाहे कोयला हो, नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो। और ये कोई 150 सालों में नहीं बनते, ये लाखों साल के प्रयासों से, ये लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे ये दबे रहे और उसके बाद ये बने हैं। अब इनकी स्थिति, ये पिछले 100 सालों में इसका अधिकतम दोहन हुआ और अगले 100 सालों में ये समाप्त होने की स्थिति में है। अब हम इसका सही तरीके से उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, तो इससे सबसे पहली सवाल ये उठता है कि इसका लाभ किसको मिलेगा। सबसे पहला लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मैं पेट्रोल खरीद सकता हूँ, मैं बिजली जला सकता हूँ, तो मुझे तो इसका कोई संरक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना चाहें उतना उसको अपव्यय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर हम देखें ऊर्जा संरक्षण से जो लाभ मिलते हैं, तो सबसे पहला लाभ उस व्यक्ति को खुद को, यदि वो ऊर्जा का संरक्षण करे, और अगर कोई संस्था ऊर्जा का संरक्षण करे या कोई इंडस्ट्री ऊर्जा का संरक्षण करे, तो उसको लाभ मिलेगा। उसको क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहला लाभ उसके बिल में कमी आएगी। अगर वो मान लीजिए बिजली बचाता है, बिजली का बिल कम आएगा, पेट्रोल बचाता है, पेट्रोल के पैसे कम लगेंगे, डीजल बचाता है, डीजल के पैसे कम लगेंगे, कोई संस्था अगर बिजली की बचत करती है, तो संस्था का बिजली का बिल कम आएगा, उसके पेट्रोल डीजल के पैसे बचेंगे। दूसरा, इंडस्ट्री के अंदर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ऊर्जा संरक्षण कर रहा है, नेचुरली वो उस व्यक्ति सेम टाइप की इंडस्ट्री अगर कोई ऊर्जा का संरक्षण कम कर रही है और ज़्यादा कर रही है, तो ज़्यादा कर रही है नेचुरली उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा में
वृद्धि होगी। ये दूसरी कंपनी को भी इस बात के लिए बाध्य करेगी कि वो भी ऊर्जा संरक्षण करें। इसके साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन में ऐसे होती है कि मान लीजिए कि आपके पास ऊर्जा में व्यय करने के लिए 200 रुपये हैं और 200 रुपये में से अगर आपने उसमें से 20 रुपये बचाए तो 20 रुपये आप अतिरिक्त उत्पादन में खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गुणवत्ता होती है, मुनाफा होता है, इसमें वृद्धि होती है और अल्टीमेटली उसकी शेयर वैल्यू में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहला लाभ जो ऊर्जा संरक्षण का है वो उस व्यक्ति या संस्था को ही मिलता है। उसके बाद उसका दूसरा लाभ समाज को मिलता है। समाज को इस तरह से कि अभी हम देखते हैं कि खास तौर से गर्मियों के दिनों में बिजली की कटौती होती है, कहीं 2 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं 3 घंटे बिजली नहीं आती, और जो गाँव में तो सामान्यतया 3-4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं आना एक आम बात है। उसका कारण ये है कि बिजली की उपलब्धता कम होती है और उसकी खपत ज़्यादा होती है। अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करें, बिजली का संरक्षण करें, तो इस बिजली को उन लोगों को दिया जा सकता है जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका अगर वो सिर्फ हमने संरक्षण किया, जो जितनी ज़रूरत है उतना काम में लिया, तो वो बिजली बचा के उन लोगों को दे सकते हैं जो उस समय वंचित हैं, उसको जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो समाज को भी ऊर्जा संरक्षण का लाभ मिलता है। तीसरा लाभ राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को लाभ मिलता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर खास तौर से क्रूड ऑयल के केस में लगभग 80% तेल आयात होता है, 20% हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, पेट्रोल डीजल का संरक्षण करेंगे, तो ऊर्जा के आयात में कमी आएगी, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर हम बिजली की बचत करेंगे तो मान लीजिए कि आपने सब लोगों ने प्रयास करके 1000 मेगावाट बिजली की बचत की, तो अब हमें 2000 मेगावाट बिजली कम बनानी पड़ेगी। यानी अगर 2000 मेगावाट बिजली बनती है तो हम तक वो 1000 मेगावाट पहुंचती है, आधी बिजली तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो 2000 मेगावाट बिजली कम बनानी पड़ेगी, तो यानी हमें 20-25 हज़ार करोड़ रुपए की हम सीधी बचत सिर्फ ऊर्जा संरक्षण के द्वारा कर पाएंगे। अब ये जो पैसा बचेगा ये स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में काम में आ सकता है, जो गरीबी से लड़ाई जो हमारी है उससे लड़ने में काम में आ सकता है। एक और लाभ होता है राष्ट्र को कि इससे ऊर्जा की सुरक्षा में वृद्धि होती है, हमारी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जैसे जैसे हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे वैसे वैसे हमारी निर्भरता बाहरी देशों पर कम होती जाएगी। तो ये सारे राष्ट्र को इसका लाभ है। अब इस हम ऊर्जा का संरक्षण करते हैं तो इससे सारे विश्व को भी लाभ होता है। सारे विश्व को किस तरह से लाभ होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इनके उत्पादन में कमी आती है, पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी और इसके कारण हमारा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो भी सुधरेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम ऊर्जा संरक्षण करें तो इसका लाभ न सिर्फ हमें, हमारे संस्था को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को और सकल विश्व को मिलता है। अतः ऊर्जा संरक्षण समय की मांग है, सबको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।